हेलो एवरीवन, आज हम सिलिकॉन्स की बात करेंगे कि हमारा सिलिकॉन्स जो है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है पॉलीमेरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स कंटेनिंग SiO(SiO) बॉन्ड्स आर कॉल्ड सिलिकॉन्स। तो ऐसा पॉलीमेरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड जिसमें SiO(SiO) बॉन्ड होता है उसको हम सिलिकॉन्स बोलते हैं। तो जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो उनका जनरल फॉर्मूला होता है R2SiO होल N। यहाँ पे R का मतलब आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है या फिर फिनाइल ग्रुप हो सकता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन आएगा। तो सिलिकॉन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सिलिकॉन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम एल्काइल या फिर एडाइल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा सिलिकॉन जो है वो बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा एल्काइल या फिर एराइल क्लोरोसिलेन इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका फॉर्मेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहली मेथड है जो हमारा एल्काइल क्लोराइड है या फिर एराइल क्लोराइड है उसको हमें गेट कराना है किससे, सिलिकॉन से। और कैटलिस्ट हमारा क्या है, कॉपर है। टेम्परेचर हमें कितना रखना है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, एल्काइल या एराइल क्लोरोसिलेन बनेगा। सेकेंड मेथड क्या है कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से करानी है तो भी हमारा एल्काइल या फिर एराइल क्लोरोसिलेन जो है इसका फॉर्मेशन होगा। और इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो क्या होगा, हमारा सिलिकॉन जो है वो बन जाएगा, SiO(SiO) बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो आइए अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो हम प्रिपरेशन मेथड की पहली केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन सिलिकॉन से करानी है, हीट करना है 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर कैटलिस्ट में, तो क्या होगा, R2SiCl2 जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा बनेगा डाई एल्काइल डाई क्लोरो सिलेन। जो हमारा SiH4 जो है ये कहलाता है सिलेन। तो चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए, दो एल्काइल ग्रुप से डिस्प्लेस हुए और दो क्लोरीन से डिस्प्लेस हुए, तो डाई एल्काइल डाई क्लोरो सिलेन जो है हमारा कहलाएगा। अगर हमारा मिथाइल क्लोराइड है सिलिकॉन, हीट कर रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर पे, तो ये बनेगा CH3 CH3 SiCl Cl, तो ये बनेगा डाइमिथाइल डाई क्लोरो सिलेन। अगर हमारा एराइल हैलाइड है सिलिकॉन सिलेक्शन करा रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस हीट करना है कॉपर कैटलिस्ट में, तो ये सिलिकॉन है इससे हम दो फिनाइल ग्रुप जो है वो जोड़ देते हैं। फिनाइल ग्रुप को आप पीएच से रिप्रेजेंट कर लो, ये ClCl, तो क्या हो जाएगा हमारा डाई फिनाइल डाई क्लोरो सिलेन। तो ये जो पीएच है मतलब ये फिनाइल ग्रुप ये है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। और जब हम इसका और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा सिलिकॉन जो है वो बन जाता है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है इसमें क्या करना है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, इसकी रिएक्शन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से करानी है, तो क्या बनेगा, R SiCl3 plus MgCl2। तो एक क्लोरीन यहां से निकलेगा Mg पे कनेक्ट हो जाएगा तो MgCl2 बन जाएगा और R जो है यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे ये हो गया एल्काइल ट्राइक्लोरो सिलेन। अगर मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो मोल है
SiCl4 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये बनेगा RR SiCl Cl और Mg। तो यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे और दो क्लोरीन इस MgCl2 से कनेक्ट हो जाएंगे, तो दो MgCl2 जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डाई एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन। अगर मान लीजिए 3 मोल विगनार्ड रिएजेंट लेते हैं SiCl4 से रिएक्शन करानी है तो क्या होता, ये R Si R और ये 3MgCl2 का फॉर्मेशन जो है वो होता। तो ये हमारा ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन कहलाता है। अगर मान लीजिए विगनार्ड रिएजेंट हमारा एरोमेटिक है तो SiCl4 से रिएक्शन करानी है तो हमारा क्या बनेगा, ये फिनाइल ग्रुप कनेक्ट किया SiCl3 प्लस MgCl, तो ये हमारा बनेगा फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन। अब इनका 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 और इनका हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएंगे तो हमें सिलिकॉन जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स देखेंगे या टाइप्स ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप है लीनियर पॉलीमराइजेशन, सेकंड है क्रॉसलिंक्ड पॉलीमराइजेशन, थर्ड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो हमारा जो सिलिकॉन्स होता है वो पॉलीमराइज होता है लीनियर वे में, क्रॉसलिंक्ड वे में और साइक्लिक वे में। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टाइप जो है वो लीनियर पॉलीमर सिलिकॉन्स, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब हम डाई एल्काइल डाई क्लोरो सिलेन को हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, तो दो HCl जो है वो निकल जाएंगे और क्या होगा OH यहां पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा R Si R OH OH। अब आपकी ये जो यूनिट बनी है ये यूनिट जो है वो लीनियर वे में पॉलीमराइज होगी, तो इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, तो देखो जरा R Si R OH, इसकी दूसरी यूनिट लिख लेते हैं R Si R OH OH। क्या होता है, वाटर निकलेगा, तो यहां से ये तो निकल गया वाटर, तो OH Si R R O Si R R OH। तो ये जो हमारा SiO Si बॉन्ड बना है इसी को तो हम सिलिकॉन बोलते हैं। तो अभी तो यहां पे हमने केवल केवल दो यूनिट जोड़ी हैं, अगर ऐसी हम 400 से 500 यूनिट जोड़ें तो लीनियर वे में वो कैसे पॉलीमराइज होगी, तो देखो जरा ये O ये Si ये R O Si R R O Si R R O Si R R O Si R R O, ये चलता जाएगा। तो बहुत सारी यूनिट जो है वो लीनियर वे में अरेंज हो रही हैं, इस कारण इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर पॉलीमर सिलिकॉन। इसके बाद हमारा सेकंड टाइप है साइक्लिक पॉलीमर सिलिकॉन। तो जो हमारा डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन है इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये यूनिट जो है वो बनेगी, और ये यूनिट जो है वो साइक्लिक वे में जब अरेंज होती है तो देखो जरा ये Si R R ये OH ये OH फिर Si OH OH R R
ठीक है, ये दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट ऐसा है, OH OH R R। तो अब क्या होगा, वाटर निकलेगा। तीन यूनिट हो गई, एक यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये है और तीसरी यूनिट ये है। अब क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो यहां से वाटर निकालो, यहां से वाटर निकालो और यहां से वाटर निकालो, ठीक है। तो तीन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएंगे। तो ये आएगा SI R R O O SI SI O तो ये हमारा साइक्लिक पॉलीमर सिलिकॉन जो है वो हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है उसको हम क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा, तो देखो जरा, आर ऐसा ही, ये सी एल और ये सी एल। एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन जो है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हमें तीन वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या होगा, तीन एच सी एल जो है वो निकल जाएगा और क्या होगा, आर ऐसा ही OH, तीन OH जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी यूनिट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। जब ऐसी बहुत सारी यूनिट 200, 400, 500 यूनिट जो है वो कनेक्ट होती हैं, तो हमारा क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर जो है वो बनता है। तो आइए कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा है R SI OH OH OH, ये OH SI R OH OH, ये R OH SI OH OH SI OH R OH OH SI R OH 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 SI OH OH R OH। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वाटर निकालना है। तो भैया यहां से क्या होगा, ये वाटर निकलेगा, निकला वाटर। तो SI O SI बॉन्ड बना, यहां से क्या होगा, वाटर निकलेगा। यहां से क्या करो, वाटर निकालो, 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 यहां से क्या करो, वाटर निकालो। तो ये हमारा जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है वो बन जाएगा। ये कंटिन्यू ऐसा चलता जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर जो है वो हो गया। इसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी सिलिकॉन पॉलीमर है उसकी हमें चेन लेंथ जो है उसको हमें उस ग्रोथ को रोकना है, तो हम कैसे रोकेंगे। तो बाय एडिशन ऑफ R3SiCl ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन को ऐड करके हम सिलिकॉन पॉलीमर की चेन लेंथ को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो कैसे होता है, जो हमारा R3SiCl है इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HCl निकलेगा और ये बनेगा R3SiOH। अब क्या है कि आपका ये लीनियर पॉलीमर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, निकाल दो भाई। तो ये ऑक्सीजन
ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है यहां लिख लूं और ऐसे कनेक्ट कर दूं। अब क्या होगा, अब चेन फर्दर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे OH है ही नहीं। तो ये जो ग्रुप है ये क्या करता है, चेन को इंटरप्ट कर देता है, चेन को ब्रेक कर देता है। तो सिलिकॉन पॉलीमर की चेन को अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन जो है वो यूज करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा सिलिकॉन है उसका क्या यूज है। तो हमारा जो सिलिकॉन होता है उसके मेनली टू यूज होते हैं, पहला यूज है एज लुब्रिकेंट, दूसरा है एज इंसुलेटर। तो जो हमारा सिलिकॉन होता है वो ग्रीस लाइक लिक्विड होता है और इसकी डेंसिटी जो है बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर पे चेंज नहीं होती। इस कारण ये हमारा ग्रीस और ग्रेफाइट से अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है। जो हमारा ग्रीस होता है वो लो टेम्परेचर पे अच्छा लुब्रिकेंट होता है और जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो हाई टेम्परेचर पे अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है। लेकिन जो हमारा सिलिकॉन है वो लो टेम्परेचर एज वेल एज हाई टेम्परेचर पे अच्छा लुब्रिकेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है ना ही लो टेम्परेचर पे और ना ही हाई टेम्परेचर पे चेंज होती है। दूसरा यूज एज अ इंसुलेटर। तो जो हमारा सिलिकॉन है उसका यूज हम एज अ इंसुलेटर करते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में एज अ इंसुलेटर हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर से अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, क्यों, क्योंकि जब हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर ब्रेक होता है हीट करने पे तो वो कंडक्टिंग हो जाता है, जबकि जो हमारा सिलिकॉन है वो ब्रेक होने पर भी कंडक्टिंग नहीं होता। इस कारण जो हमारा सिलिकॉन है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर से अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।